वेलकम बैक टू परिचूर गेमिंग। आज हम बनाने वाले हैं ऑटोमेटिक व्हीट फार्म, लेकिन वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन होगा थोड़ा। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कोई सा भी ब्लॉक ले लेना है। मैंने कंक्रीट लिया है। फिर उसके बाद डिस्पेंसर कहाँ है? हाँ, डिस्पेंसर मिल गया। फिर आपको रेड डस्ट लेना है। फिर उसके बाद लीवर कहाँ है? हाँ, लीवर मिल गया। फिर लीवर लेने के बाद आपको चेस्ट चाहिए होगी। चेस्ट मिल गई। फिर उसके बाद आपको व्हीट के सीड चाहिए होंगे, ले हमने सीड भी ले ली। और आपको वाटर चाहिए होगा, वाटर मिल गया। फिर आपको ट्रैपडोर चाहिए। ट्रैपडोर कहाँ पर है ढूंढता हूँ मैं। मिल गया ट्रैपडोर। आपको ट्रैपडोर कोई सा भी ले लेना है, मैंने ले लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरह से प्लेस करना है ब्लॉक्स को। आपकी मर्जी, आपको जितना बढ़ाना है उतना बढ़ा सकते हो। आपको डिस्पेंसर को कुछ इस तरह रख देना है, इस तरह नहीं, हाँ यहाँ पे ऊपर रख देना है। मैंने कितने लगाए मैं गिनता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4, 5। यहाँ पे दो दो, 6 बरोबर हो गए। मैं कुछ इस तरह से प्लेस करूँगा। मैं तो बेड ब्लॉक लिया ही नहीं। यहाँ पर रेडीमेड है, मिल गई हमको फार्मलैंड कहते हैं इसे। आपको कुछ तरह ऐसे प्लेस करना पड़ेगा। पहले देखते हैं हम पानी जब छोड़ेगा तो कहाँ जाएगा। अरे ये दुकान जा रहा है। आपको हर एक डिस्पेंसर में वाटर बकेट रखनी पड़ेगी, जैसे मैंने रखा है, आप देख सकते हैं। पहले रख लेता हूँ, रख दिया। तो दोस्तों, आपको कुछ इस तरह से ऐसे बना लेना है। मैंने इधर साइड से नीचे पानी डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। आप भी कुछ ऐसे ही करना। फिर उसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको एक हॉपर लेना। हॉपर दिख रहा होगा, ये हॉपर लो और चेस्ट लो। चेस्ट को कुछ इस तरह से प्लेस कर दो। मैं इधर भी कर देता हूँ। इधर करने के बाद आपको हॉपर लेना है, फिर नीचे उतरना है। फिर नीचे उतरने के बाद आपको हॉपर को चेस्ट की तरफ प्लेस करना है, कुछ इस तरह कि ये हॉपर कनेक्ट हो जाए चेस्ट में। मैं इसको भी तो कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये होगा। आपको कुछ इस तरह भी ऐसे ही करना है। इस तरह कुछ कर दिया, हमारा फार्म आधा चालू हो चुका है। मैं आपको भी पानी चालू करके दिखाता हूँ, जिससे आपको आइडिया होगा। देखिए, कुछ इस तरह से ऐसा आएगा, फिर चेस्ट में चला जाएगा, सॉरी हॉपर में चला जाएगा, फिर हॉपर से आपके चेस्ट में आ जाएगा। यहाँ से कुछ फेंकी दिखाता हूँ। देखिए, हॉपर आ रहे हैं, अभी चले गए। देखिए, अब चेस्ट में आ रहे हैं। आपको कुछ इस तरह ऐसे करना पड़ेगा। मैं आपको जैसे ब्लॉक लगा दीजिए, इधर लगा देता हूँ। फिर आपको क्या करना है, बंद कर देना है लीवर। आपको कुछ रेडस्टोन डस्ट ऐसी प्लेस करनी पड़ेगी, जिससे सब डिस्पेंसर कनेक्ट हो जाए। और हर एक डिस्पेंसर में आपको ऐसी वाटर बकेट डालनी पड़ेगी। मैंने सबको डाल दिया। मैं आपको सीड लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। मैंने ले ली सीड, और आपको बोन मील भी लेके दिखाता हूँ, क्योंकि ये ग्रो होने में बहुत टाइम लेते हैं ना इसके लिए। तो लीवर बंद करता हूँ। मुझे बनेगा, आपको हर एक ब्लॉक में सीड प्लेस कर देना। ऐसा कर रहा हूँ। हार पड़ता है, मुर्गी आ गई। अगर आपको एग फार्म भी बनाना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन देना, और मैं और क्या क्या बनाऊँ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, अभी अभी डाली सी जरूर हो रहा है। सबको बोलने माल देता हूँ, इसे एक मिनट के अंदर भी बड़े हो जाएंगे, एक सेकेंड में बड़े हो जाएंगे।
तो हाँ फाइनली गाइस, मैंने सारी वीट को ग्रो कर दिया है। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि वीट अपने आप कैसे आएगी। आपको उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको लीवर दबा देना है। आप देख रहे हो कैसे आते जा रही है, आते जा रही, सीट आ रहे हैं, यहाँ पे वीट भी आ रही है, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए और थोड़े बहुत ऊपर आ गए। कोई बात नहीं, हम इसका लिफ्ट कर देते हैं। लीवर बंद कर दीजिए। हाँ एक बात याद रखिए, आपको सीट को खुद ही लगाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक हम नहीं लगा सकते, खुद ही मैनुअली लगाना पड़ेगा। आप खुद से लगा लीजिए, मैं थोड़ा देर लगा देता हूँ क्योंकि हमारे वीट और सीट बाहर में जाए। चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही।